मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक पेज नंबर 17। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैलिस फॉर्म पैटर्न्स। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स यूज करेंगे, जो बेसिक शेप्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस है, वो आज हम रिपीटेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपको पेज नंबर 17 पर आपको एक पिक्चर दिया हुआ ऑलरेडी ड्रॉ है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ कलरिंग करना है, लेकिन हम सिंपल कलरिंग नहीं करेंगे, हम डिफरेंट पैटर्न्स यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्रेयॉन्स कलर या पेंसिल कलर, तो आप यूज करोगे क्रेयॉन्स एंड पेंसिल कलर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिफरेंट टेक्सचर ऐड करेंगे, पैटर्न ऐड करेंगे, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट कैप है, कैप में हम कर्व लाइन ऐड कर रहे हैं, पैरेलल डिस्टेंस, कर्व लाइन, अगेन क्रॉस लाइन, यहाँ पे हम कर्व, स्लीपिंग लाइन, क्रॉस लाइन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट पैटर्न हम ऐड करेंगे, उनके हेयर है तो हेयर स्ट्रोक, सिमिलर डायरेक्शन में हेयर स्ट्रोक हम ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोथ है, क्लोथ में हम डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम बेबी लाइन ऐड कर रहे हैं, टी शर्ट का जो पैटर्न है वो वेवी लाइन है, पैरेलल डिस्टेंस से हम वेवी लाइन ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें वन लाइन ड्रॉ करना है, कंटिन्यू लाइन विदाउट स्टॉप, हमें स्टॉप नहीं होना है, और कंटिन्यू लाइन सिमिलर डिस्टेंस मेजर करते हुए हमें वेवी लाइन ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यूज कर रहे पैटर्न कर्व लाइन, कंटिन्यू लाइन, क्रॉस लाइन। उनके हैंड में भी हम सिमिलर कर्व लाइन, क्रॉस लाइन। ऑलरेडी आपको पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें डिफरेंट कलर यूज करना है, तो हम फेस के लिए यूज करेंगे, फेस में हम यूज करेंगे येलो या तो फिर ऑरेंज, येलो या ऑरेंज कलर हम यूज करेंगे। वहां पर हैंड में भी हम वही सेम कलर यूज करेंगे, शूज में हम ब्लैक कलर यूज करेंगे। शूज में ब्लैक कलर सिंपली फिलअप करना है, यहाँ पे बकेट है तो बकेट में हम शेड यूज करेंगे, लाइट टू डार्क शेड, तो वन साइड डार्क वन साइड लाइट, यहाँ पे हम डार्क शेड ऐड कर रहे हैं, आगे हमें लाइट हैंड यूज करना है और लाइट शेड करना है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें लाइट टू डार्क शेड करना है। सिमिलर यहाँ पर काउ का पिक्चर है, काउ में हम पैटर्न ऐड करेंगे, ओवर शेड, डिफरेंट ओवर शेड हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हम डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट कलर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो ओवर शेप है तो ओवर शेप में आप ब्लैक कलर करोगे, और जो बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड में आपको हॉरिजॉन्टली आप यहाँ पर ब्राउन कलर यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन सिमिलर डायरेक्शन में हमें कलर करना है, अगर आप हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में कलर कर रहे हो कंटिन्यू हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में कलर करना, हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, ये टेक्निक रॉन्ग है। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हो तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हमें कंप्लीट करना है, जो भी पिक्चर है तो आप जो भी डायरेक्शन में कलरिंग स्टार्ट कर रहे हो वही डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ते हुए जाना है, और हमारा जो पिक्चर है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिफरेंट क्रेयॉन्स कलर या पेंसिल कलर आप यूज कर सकते हो, लेकिन सिमिलर डायरेक्शन में आपको कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ था, तो यहाँ पर जो डॉट्स है, जो ओवल शेप है, उसमें हम ब्लैक कलर ऐड करेंगे। सेम एज यहाँ पे डॉग है, तो डॉग के अंदर हम ओवल शेप पैटर्न्स ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप ब्राउन कलर यूज कर सकते हो। सिमिलर डायरेक्शन में स्टूडेंट्स कलर करना है, हमें याद रखना है कि हमें सिमिलर
वर्टिकल डायरेक्शन है, जो सेम कलर हम वर्टिकल डायरेक्शन में ही जो हमें कलरिंग वर्क करना है तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन में ही कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर सेविंग वर्क ऐड करेंगे लाइट टू डार्क, तो इस तरीके से जो आर्ट एंड क्राफ्ट बुक है पेज नंबर 17 पर आपको जो पिक्चर दिया हुआ है